नमस्कार, आप देख रहे हैं जी एन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। कुछ दिन पहले एक दिव्यांग से आपको मिलवाई थी और बात करवाई थी कि उनका मांग जो था वो मांग जायज़ था, और आज जब मैं वापस आई हूँ तो इनका तबीयत ख़राब हो चुका है, ये वीक हो चुके हैं, ये एकदम ऐसे लेटे हैं, ऐसे पड़े हैं जैसे इनके शरीर में एकदम जान नहीं है। इन्होंने बात करने की सबसे कोशिश की, मांग पूरी करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मांग इनका पूरा नहीं किया गया है। और आज एम्बुलेंस भी आया तो ये जाने को तैयार नहीं है, ये जान देने को तैयार है। कितने लोग धरना स्थल पर आते हैं और कहते हैं कि हम भी जान देंगे, और जब धरना स्थल पर मांग पूरा नहीं होता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये अब जान देंगे और ये सही में जान देने पे उतर चुके हैं। अब ये तो देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांग को अब भी पूरा करती है नहीं। क्या सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि एक अपाहिज की मांग को पूरा नहीं कर रही है? इनकी कितनी ही मांग है, इतनी सी तो मांग है जिसको सरकार को पूरी कर देने चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इनका क्या कंडीशन है और ये कैसे हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं, क्या ये बोलने की हालत में है, हमें कुछ बताने की हालत में है, क्या स्थिति में है? आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो एकदम अब वीक हो चुके हैं। मैं एक वर्ष से अधिक समय तक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाया और मुझे वहाँ से निकाल दिया, और मैं आज 31 दिन से धरना पर बैठा हुआ हूँ उसी मांग को लेकर कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए, और कुछ भी नहीं हो पाया। तब मैं धरना पर बैठा हुआ हूँ, लगातार मैं दिन रात धरना पर हूँ, मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं कॉल भी किया राजभवन और मैंने बोला कि वहाँ से डॉक्टर का व्यवस्था कीजिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद स्पेशल ब्रांच के लोग आए हुए थे और उन लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा। अभी आपको क्या हुआ है? मेरा तबीयत कल से बहुत ख़राब है और इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। एम्बुलेंस आए थे मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं अकेले हूँ, मैं मुझे अकेले ले जाके कहाँ छोड़ देंगे, इसीलिए मैं नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज यहीं हो, और जब तक मेरा मांग नहीं पूरा होगा मैं यहीं रहूँगा, चाहे मेरा जान ही क्यों नहीं चल जाए। अभी आपको क्या बुखार लगा है? हाँ, बहुत बुखार है और माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। अच्छा, तो अभी कहीं से अभी कोई नहीं है, बस वहीं एम्बुलेंस वाले लोग हैं। हाँ, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मांग को माना जाए। और आप उठने के लायक नहीं? मैं किसी भी हालत में नहीं उठूंगा, चाहे मेरा जान ही क्यों नहीं चल जाए, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं उठूंगा। तो जान जाने के बाद आपको न्याय मिल जाएगा? सो जो भी हो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना और आपने इनको देखा भी कि इनमें एकदम भी एनर्जी नहीं है, इनका शरीर डाउन होता जा रहा है, ये वीक हो चुके हैं, और ये इन्हें तो यहाँ पर सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है और इनकी मांग को पूरा भी नहीं किया जा रहा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि इनकी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि इनकी मांग ज़्यादा बड़ी नहीं है, इनकी मांग इतनी सी है जिस चीज़ को पूरा करने में सरकार को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर सरकार इनकी मांग को पूरा कर देती है तो ये यहाँ से जाएंगे और अपना जीवन अच्छे से आगे बिताएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो ये वीक पड़ चुके हैं और ना इन्हें कोई सुविधाएँ दी जा रही है। सरकार आखिर क्यों मांग पूरा नहीं करती है कि लोग धरना स्थल पर आते हैं और आखिर तक एकदम आस छोड़ देते हैं और इस धरना स्थल को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, अगर मुझे मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।